प्रसाद जी ने बहुत ही छोटे समय में अपने 10,000 का कमीशन अचीव किया है, विच इज द फर्स्ट माइल स्टोन इन योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी। और प्रसाद जी अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप उनके प्रोसेस को समझ के उनसे मोटिवेशन लें ताकि आप इस डायरेक्शन में सही से मूव कर पाए। तो प्रसाद जी थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? ओके सर, थैंक्स। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो भी अभी मैंने जिसको अगर सर सक्सेस बोल रहे हैं तो जो अचीव किया है तो सर का उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर के कुछ वीडियो देखने के बाद मुझे ये पता चला कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो सकता है, और ये मैंने जो अचीव किया है तो ये है मेरा डिसेंबर से लेके अभी तक ये मैंने कंप्लीट किया है। और उसमें सभी जो अपने क्लास में जो पढ़ाया है सिर्फ वही टेक्निक्स है मेरे पास, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, सर ने एक क्लास में अपने को बोला था कि कैम्स और प्लस के फिनटेक का स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। तो मेरे एरिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन जो मतलब हैबिचुअल नहीं थे ना, उनको उनके पास कोई मतलब ट्रेडिशनल तरीके से उनके इन्वेस्टमेंट होते थे, जैसे कि वो एएमसी में जाते थे या उनका डिस्ट्रीब्यूटर वो एएमसी में जाता था और साल में एक ही बार मार्च एंडिंग में उनको पता चलता था कि अपना क्या मतलब स्टेटस क्या है अपना। तो मैंने उनके साथ बात किया ना, मैंने बिजनेस मांगा उनसे ना कुछ किया, मैंने सिर्फ यही बोला कि मैं ये काम करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपका एक ऐप पे आपको पूरा डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके हिसाब से मैंने वो कैम्स के फिनटेक का स्टेटमेंट निकाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकले जिनको खुद पता नहीं था कि कभी 5 साल 10 साल पहले उन्हें कहाँ पे कुछ अमाउंट किया था, उनको इतना ही याद रहता था कि 5 में से 3 4 जगह पे इन्वेस्टमेंट है वो याद रहता था। तो ये सर ने जो दिया था दैट इज अ ट्रिमेंडस टेक्निक। उसके बाद सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज बोला था मुझे, जब मैं सर के साथ मैंने बात किया था, अगर सर को याद रहे कि पता नहीं, क्योंकि मैं सीएफपी करना चाहता था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बी प्लस एमबीए था और मैं मतलब कर पाता था एक्चुअली। तो सर ने मुझे क्या सजेस्ट किया कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे और इसके मतलब एवज में आप क्या करो कि आप प्रैक्टिकल काम करो, और सबसे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट यही चीज था। तो मैंने वो सीएफपी का मतलब बाजू में रख के एक्चुअल फील्ड पे काम करना चालू कर दिया। और सभी जो सर के टेक्निक थे, मतलब जैसे कि सर ने पढ़ाया था ओवरलैपिंग था, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो फंडूज वैल्यू रिसर्च ये वेबसाइट यूज करके वो मैंने डिग आउट करके मैंने मतलब वहां से मैं ये टेक्निकल थोड़ा सा मिक्स करके लोगों को बताने लगा। तो लोगों ने क्या किया, एग्जिस्टिंग उनके, और तभी बीच में सर एक चीज हुआ था कि चेंज ऑफ ब्रोकर का एक नया सर्कुलर आया था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बिजनेस दे दिया है जो कि अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि 6 मंथ का उसमें कूलिंग पीरियड है कुछ। तो मतलब ये जो मैंने आपको भेजा है उससे ज्यादा बिजनेस अभी है जो मेरा बाद में आ जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा वो। उसके बाद सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोली थी कि अपना जो ब्रोकरेज है उसको सामने रखे या हमको बिजनेस करना है, और वो एक शॉर्ट में फॉर्मूला बनाया था सर ने, मतलब मंथली ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय 12, मंथली ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय एयूएम, एंड दैट इज इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू परसेंटेज। तो ये मेरे सीधा सामने आ गया मुझे। तो क्या था कि जैसे कि कुछ एमसी है बॉस कम कमीशन देते हैं, जैसे कि कॉन्ट है और बहुत सारी है, मतलब उनका नाम लेना ठीक नहीं लेकिन ऐसा है। तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल कैप फंड, लेकिन जो उनको ही ट्रैक मतलब उन्हीं के थ्रू वो डायरेक्शन में जा रहा है और जिनका कमीशन ऐसा है जो मुझे मेरा 0.85 क्रॉस कर देगा, 80 क्रॉस कर देगा, वही मैंने सिलेक्ट करके वही मैंने देने चालू कर दिए। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट था। और मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही कॉन्सेंट्रेट किया क्योंकि अगर आप सब लोगों को पता रहेगा कि सर ने एक बार बोला था कि म्यूचुअल फंड अगर आप कर रहे हो तो बाकी मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर अभी मत कॉन्सेंट्रेट करो अनलेस एंड अनटिल आपका सेटअप नहीं होता। तो मैंने वो अभी मैंने नहीं कर रहा हूं, मैं जो कि मैं अदरवाइज करता था मैं, और खुद कंफ्यूज होता मतलब हो जाना था मुझे। उसके बाद सर का और एक था कि आप ऑफिस या फिर मतलब ऐसे मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज यूज करो जिसमें आप ही का कैपिटल ज्यादा रहे, क्योंकि शुरुआत में वो होता नहीं है प्रैक्टिकली, दैट इज नॉट गुड टू फॉर आवर बिजनेस। सो वो भी मैंने फॉलो किया। और मैंने और ये था कि मैंने ना मतलब हर जगह पे जहाँ पे जाना सोशल गैदरिंग्स वगैरह होता था रैंडमली मैंने जाना चालू कर दिया, तो कोई ना कोई पूछता कि आजकल क्या चल रहा है।
तो मैं वहीं पे बताता, मैं खुद खुद से जाके नहीं बोलता था कि मतलब ये मेरा बिजनेस है, मैंने खुद को प्रमोट किया भी नहीं। तो वहां पे आ जाता था कि आजकल क्या मतलब प्रॉपरली FD के रेट्स कम हुए हैं, सब लोग परेशान है, रियल इस्टेट बहुत महंगा है। तो ऐसे मैं बाद में बोलता था इससे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है और मेरे को तो उससे बहुत अच्छे रिटर्न आ गए। तो आगे वाला बोलता था कि कैसे मतलब आप जरा एक्सप्लेन करो। तो यही एक्सप्लेन चीजें मैंने की जो कि मैंने अभी बोली है। ओके तो बस मेरा ये जो सभी Awesome. सक्सेस रेट है तो I सर think के एट एंड Prasad, अराउंड भी घूम रहा है, yes, दैट्स awesome. इट। I think Prasad is so excited to share his story that he या forgot why what I asked him. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या करते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा? सर इंडस्ट्रियल सप्लाई का बिजनेस करता हूं आप बिजनेस करते हैं, कौन से शहर से हैं आप? मैं सावंतवाड़ी है, जो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर है ना, तो वहां हाँ पे एग्जैक्टली वहीं पे है। ओके okay. तो म्यूचुअल फंड आपने दिसंबर से शुरू किया है, अभी आपका एयूम क्या है? अभी सर 1.27 CR। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में काम कर रहे हैं? कोई सर पार्शल है थोड़ा, मतलब मैं एक दो क्लाइंट्स के लिए सर डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है किसी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, अदरवाइज SFPlus के थ्रू चल रहा है। तो आपने दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करने का क्यों डिसाइड किया? मतलब आपने कहा क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए आप हाँ डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली सर। और एसेट प्लस क्यों चूज किया आपने? एक वीडियो में आप ही ने बोला था कि जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल है, आपने उसमें एक कंपैरिजन किया था, NJ, प्रूडेंट, निवेश आय शायद था और SFPlus था। तो वो भी मैंने आप ही से सुना था और मैंने खुद का वहां पे स्टार्ट कर दिया। मुझे उनके मतलब जो काम करने का तरीका है एडॉप्ट हो गया, सो आई वॉज कैरी विद देम। सो एसेट प्लस में आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं आई नहीं एंड सर, यू आर नहीं एबल टू नहीं डू या सो सर एक थोड़ा सा बात करना चाहता था। हाँ एक सर अभी है ना कि जो नया सर्कुलेशन आया है ना कि मतलब अभी चेंज ऑफ ब्रोकर पहले वो नहीं था जो कि अभी हो रहा है, तो इससे अभी थोड़ा सा मैं ये प्रिफर करूंगा मतलब कोई अगर इंटरेस्टेड है तो प्रूडेंट जैसे प्लेटफॉर्म में काम करे क्योंकि वहां पे डीमैट है तो इजीली कर नहीं पाएंगे मतलब इन्वेस्टर चेंजेस। ओके यस सर, प्लीज सर कैरी ऑन। जो प्रसाद जी बोल रहे हैं वो आप समझिए कि वो कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि आजकल फिजिकल एप्लीकेशंस में चेंज ऑफ ब्रोकर आसान है, अगर आप इन्वेस्टमेंट थ्रू और डीमैट अकाउंट करवाते हैं तो वहां पे चेंज ऑफ ब्रोकर के लिए आपको पहले डीमैट होल्डिंग को लिक्विडेट करना पड़ेगा और फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डीमैट में ARN चेंज नहीं होता. सपोज योर क्लाइंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट थ्रू अ ब्रोकर, से जैसे इन्होंने बोला NJ है या प्रूडेंट है, ये लोग डीमैट फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट कराते हैं. डीमैट में यूनिट्स क्रेडिट होते हैं, तो अगर आपका इन्वेस्टर अपने निवेश को चेंज करना चाहेगा या किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहेगा, इट इज ओनली गोइंग टू हैपन थ्रू द लिक्विडेशन. रिडम्पशन कराओ, फिर से इन्वेस्टमेंट कराओ. उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे प्रसाद जी ने बोला भाई चेंजेस डिफिकल्टी है, लेकिन वहां पे आपका CPA जो है, जो कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ एसेट्स है, वहां पे कम होता है, तो आपको वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना है ना? अभी आपका CPA क्या है प्रसाद जी? सर अभी तो 0.9। 0.9 CPA है इनका सब ब्रोकर मॉडल में जाने के बाद भी, विच इज वेरी डिसेंट. हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, विच इज एनीवेयर अबव 1.80 इज गोइंग टू बी गुड CPA. CPA मींस आपका जो भी AUM है उस पे आपका कितना कमीशन आ रहा है और वो क्या परसेंटेज बन रहा है. 0.8 का मतलब है 1 करोड़ पे अगर आपको 80,000 का कमीशन आ रहा है साल का, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू 0.80%. ठीक है, तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड लेके चलना भाई, आपके कमीशन जो बन रही है वो टोटल एसेट की क्या परसेंटेज बन के चल रही है. ठीक है, तो जैसे प्रसाद जी ने शुरू में ही काफी बताया कि भाई वो जो लीड है जनरेशन की एक्टिविटी कैसे करते हैं, जैसे हम आपको बताते रहते हैं, यू नीड टू बी मोर एक्टिव इन योर सोशल सर्कल, जिससे उनको काफी मदद मिली. उन्होंने जो एक्विजिशन किया उसके लिए उन्होंने बहुत सारी फ्री सर्विसेज दी, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, हमेशा याद रखिए कि आपका कस्टमर आपको लाइफ लॉन्ग कमीशन दे रहा है, तो पहले आप उसको कुछ देने की शुरुआत करें. डोंट मीट विथ योर क्लाइंट विद एक्सपेक्टेशन कि भाई आज बिजनेस लेके जाना है. फर्स्ट 2-3 मीटिंग शुड ओनली बी टू एड वैल्यू. जैसे प्रसाद जी ने पोर्टफोलियो का रिव्यू करने को बोला, अपडेट करने को बोला, तभी क्लाइंट आपसे जुड़ता है. आप पहले ही ये सोच के जाएंगे कि आज मुझे, मैं इसे SIP समझाऊंगा और चेक लेके आऊंगा, तो वैसे धंधा नहीं होता.
एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू रिक्वायर सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड एंड सम सेक्रीफाइसेस फ्रॉम योर साइड, सम मेहनत फ्रॉम योर साइड. अगर आप वो नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा. इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. और ये अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, सो नथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन दिस, है ना. तो अभी आप मुझे ये बताइए, जो जैसे आप अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे ऑपरेशनली कैसे ऑपरेट करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे कराते हैं? उनके रिस्पेक्टिव जो मतलब एएमसी है ना, तो उसके वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर देते बस। क्या इस केस में क्या हुआ था सर कि एक मतलब प्रोफेसर है जो कि रिटायर्ड है एक्चुअली, तो उनके साथ क्या हुआ था, उनका एक सर्कल है और वो लोग जो है ना उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन उनको ये मतलब न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज पता नहीं है, कभी ब्रोकर हाउस कुछ कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको एक ब्रांड पता है कि SBI है, मोतीलाल ओसवाल है। तो मैंने उनको बोला आप SBI में कंफर्टेबल हो, तो मैंने SBI में उनका डायरेक्टली करा दिया और उनको मतलब ऐप भी दे दिया और उसमें वो देख भी सकते हैं अपना। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है ना ये केस में कि ना ही वो लोग अलग ब्रांड्स में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर बंदा है जिसको 10 अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट है, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि कैम्स के फिनटेक या फिर अपना सर वो एक था ना अपना जो कॉमन है वेबसाइट एमएफ हाँ जी, सेंटर, एमएफ सेंटर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा वगैरह ऐसा सर। तो उनका मतलब एज ग्रुप जो 70 अबाउट था, तो इसके लिए वो SBI से कंफर्टेबल थे, तो वैसे क्या है। तो यहाँ पे जो आपको लर्निंग मिल रही है वो ये है भैया कि आपको क्लाइंट के हिसाब से अपने को एडेप्ट करना है. सपोज यू आर यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका कस्टमर कंफर्टेबल नहीं है तो खुदा घाड़ के ना बैठ जाए कि नहीं नहीं साहब मैं आपका ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करूंगा. जैसा सामने वाले का कंफर्ट जोन है यू नीड टू एडेप्ट योरसेल्फ. बहुत बार हमें क्या होता है कि भाई मैं ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करूंगा, मुझे बाद में बड़ी परेशानी होगी, या मैं कंपनी के वेबसाइट को नहीं यूज करूंगा. अगर आप इट्स माइंडसेट में रहेंगे तो फिर धंधा ग्रो नहीं होगा. एज योर क्लाइंट रिक्वायर्स यू नीड टू चेंज एंड एडेप्ट योरसेल्फ सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेटर रिजल्ट्स. तो इन चीजों का भी ध्यान में रखना है. तो आपका डेली रूटीन इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है? डेली रूटीन तो सर ये रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो पहले सिर्फ इस रिलेटेड बोल रहा हूँ सर, यही प्रोफेशन रिलेटेड, कि मैं क्या करता हूँ जैसे कि अभी SBI स्मॉल कैप फंड है, कि एक्सिस मिड कैप फंड है, जो पुराने फंड्स रहते हैं तो उनके गूगल पे डायरेक्टली ग्राफ आ जाते हैं, तो मैं ग्राफ वो उनको भेज देता हूँ, तो उनका ट्रस्ट भी बढ़ता है कि ये अगर आज मतलब 10 साल 12 साल 15 साल से चालू है और आज की डेट इसमें दिख रही है, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैं उनको थोड़ा सा मतलब उस तरह के व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, या फिर वो स्टेटस लगाना, ये चीज करता हूँ मैं। बाकी सर मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एंगेज विद माय मेन बिजनेस एक्चुअली। ओके, ऑसम. सो देखिए, आपका डेली रूटीन सेट करना बहुत ही जरूरी है, और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए. अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आपको मार्केट से क्रेडिबिलिटी लेनी चाहिए. जैसे ये कह रहे हैं भाई मैं SBI के परफॉर्मेंस भेजता हूँ, तो SBI पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है तो SBI का रिटर्न देख उनको लगता है भाई हाँ ये जो है सही चीज है. इसी तरीके से अगर आपका कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है, सपोज आप नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और बार बार आप क्वेश्चन पूछते हैं भाई मैंने जब कुछ पैसा मैनेज नहीं किया है तो मैं क्लाइंट को क्या बताऊं, तो आपको जो इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट में ये भरोसा दिलाने में कामयाबी मिले कि भाई ये चीजें काम करती हैं. जैसे प्रसाद जी SBI की परफॉर्मेंस भेज रहे हैं, HDFC जो भी बड़े ब्रांड है उनके स्कीम्स की परफॉर्मेंस को अगर आप शेयर करेंगे उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं बोरोड क्रेडिबिलिटी. क्योंकि आप धंधा स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आपको कुछ दिखाने के लिए है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो चीज बेच रहे हैं या कस्टमर को निवेश करा रहे हैं वो चीज अच्छी नहीं है. सो जो भी पास्ट का परफॉर्मेंस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट पीस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर डेली एजेंडा. जैसे प्रसाद जी बोल रहे थे, आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर आपने एक पर्टिकुलर रूटीन सेट नहीं किया आप अपने इस बिजनेस के लिए, देन वी आर गोइंग टू गो एनी वेयर एंड एवरी वेयर विच इज नॉट गुड. आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं हफ्ते में 2 दिन ही इस बिजनेस पे कंसंट्रेट करूंगा, लेकिन मैं 2 दिन इतने बजे से इतने बजे तक इस धंधे पे काम करूंगा. जब आप ये एजेंडा सेट कर लेते हैं ना, तो आपका फोकस एकदम सही रहता है. आपको पता है भाई मैं सैटरडे को शाम को 5 बजे से 9 बजे तक म्यूचुअल फंड बिजनेस को दूंगा,
तो 5 से 9 बैठ जाइए और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिए, कैसे लीड जनरेट करूं, कस्टमर को कौन सी स्कीम दूं, उसको कैसे समझाऊं, कस्टमर से बात कैसे करूं, किससे कांटेक्ट करूं, तो क्या होगा, आप फोकस वे में काम करेंगे। अगर आप जो है एड हॉक वे में प्लान करते हैं कि चलो आज कर लेता हूं या कल करूंगा या बाद में करूंगा, तो होता क्या है कि हमेशा हमारा डायरेक्शन फोकस सब बिगड़ जाता है और फिर हम कुछ जो मन करे वो करते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एनी प्रोफेशन। फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड। सो ऑलवेज हैव अ रूटीन सेट। आप पूरे 7 दिन में एक ही दिन म्यूचुअल फंड का काम कीजिए, लेकिन एक दिन 100% कीजिए, नो इधर उधर, डिसाइड कर लीजिए और उतने टाइम पे वो काम करना ही करना है। डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू प्लान, बट यू नीड टू स्टिक टू योर प्लान, देन ओनली यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। प्रसाद जी ने मुझे अपना जो है ब्रोकरेज का जो स्टेटमेंट है भेजा है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सो दैट यू कैन सी। जैसे इन्होंने बोला ये एसेट प्लस के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप देखें इन्होंने 10,000 का कमीशन पूरा विद द टाइम एकुमुलेट किया है और इनका एईएम यहाँ पे दिख रहा है और सारी डिटेल्स हैं। मैं क्लाइंट के डिटेल्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एएमसी वाइज क्या ब्रोकरेज आई है, ये सारी चीजें आपको इनको एसेट प्लस ने प्रोवाइड की हैं और ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी देंगी कि इफ ही इज एबल टू गेट इट इन जस्ट 7 मंथ्स मोर देन 1.2 करोड़, यू विल ऑल्सो एबल टू डू, अगर आप एक सिस्टमेटिक मोटिवेटेड वे में इस बिजनेस को करें। सो एज वी कीप टेलिंग यू, जो भी हमारा राइजिंग स्टार्स के लिए क्वालिफाई होता है, वी आर गोइंग टू गिव देम 1,000 रुपीज अमेजन गिफ्ट वाउचर। सो टुमारो वी आर गोइंग टू सेंड प्रसाद 1,000 रुपीज गिफ्ट वाउचर, आई होप ही इज गोइंग टू एंजॉय। यस प्लीज सर, थैंक गिव अ बिग हैंड टू प्रसाद, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रसाद, यू यू हैव मेड अस वेरी प्राउड एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।